गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए विशेषकर मैंने आज का लेक्चर डिज़ाइन किया हुआ है और ये रिवीजन टाइम का है आपका लेक्चर और मिड टर्म एग्ज़ाम को देख करके मैंने ये बना रहा हूँ मैं कि मिड टर्म एग्ज़ाम में क्वेश्चन को रिवाइज करके हमें जाना है तो हम कैसे जाएंगे। तो ये रिवीजन इस पर आधारित है कि हम कैसे चीज़ों को देख करके जाएंगे जिससे हमें लंबे समय तक याद रहे और किन किन चीज़ों को हम देख करके जाएं। तो आप इसे एक से दो बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगे। तो मेरा पूरा कोशिश है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और सभी के बहुत अच्छे नंबर आएँ, सभी 15 out of 15 पास आएँ, ऐसा तो मेरी यही कोशिश है। रिविज़न टाइम में हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स से। तो हमारा जो ये रिविज़न स्टार्ट हो रहा है वो केमिकल काइनेटिक्स से हो रहा है। केमिकल काइनेटिक्स से बहुत से बच्चे सुन करके भागने लगते हैं, उन्हें कठिन लगता है चैप्टर ये, लेकिन वास्तव में बहुत आसान चैप्टर है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप समझते हैं तो ये चैप्टर आसान है, नंबर अच्छे मिलते हैं, क्वेश्चन आने तय हैं, जैसे एक से दो क्वेश्चन आना तय हैं। इसीलिए हम इसको देख करके जा रहे हैं कि यहीं से अगर दो क्वेश्चन हमें मिल जा रहा है तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मिड टर्म में फोकस हमारा है कि 15 में 15 पास आएँ, तो अगर दो क्वेश्चन यहीं से हम कर ले जाएंगे या एक क्वेश्चन भी अच्छा खासा मिल जा रहा है जो आसान हमारे लिए है तो हम क्या कर सकते हैं, वो उसको हम यहाँ पे कर लेंगे। देखिए कैसे, तो किन किन टॉपिक को हम देख करके एग्जामिनेशन में जाएं इस पर हम फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ये बार बार आएगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कैसे एक्सप्रेस होता है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन को हम आर से लिखते हैं ऐसा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है कि यूनिट टाइम में चाहे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज हो चाहे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज हो, तो यूनिट टाइम में जो भी चेंज होगा वही उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है तो माइनस साइन आता है और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है तो प्लस आता है। क्यों? क्योंकि माइनस साइन इसलिए आता है क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और प्लस साइन प्रोडक्ट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो यानी जब भी रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, माइनस डी, और अगर कंसंट्रेशन को हम ए से दिखा रहे हैं ऐसे, मान लिया कि ए कंसंट्रेशन चेंज हुआ है तो हम लिखते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी, ऐसे लिखते हैं। ये कंसंट्रेशन देखिए माइनस अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब रिएक्टेंट के लिए है। अगर हम प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं तो मान लीजिए प्रोडक्ट का मतलब एक रिएक्शन लिख देते हैं यहां पे कि मान लीजिए ए जो है एक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कन्वर्ट हो रहा है पी में ऐसा, और इसका जो कंसंट्रेशन में चेंज है ये कितना चेंज है, ये चेंज मान लीजिए ए के बराबर ही है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मान लीजिए प्रोडक्ट कितना बन रहा है, वो बन रहा है मान लीजिए बी बन रहा है ऐसा। तो अगर B के लिए हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे D कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन DT, ऐसे लिखेंगे इस तरीके से, यानी यहां माइनस साइन और यहां पे प्लस साइन का इस्तेमाल होता है। तो यही कहते हैं यूनिट टाइम में जो भी कंसंट्रेशन में चेंज होगा उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाने का तरीका है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बस एक ही तरीके से नहीं दिखाते हैं, इस रेट ऑफ रिएक्शन को एक दूसरे तरीके से भी दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन से भी दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं हम उसे, तो उसको दिखाने का क्या तरीका हमारा होता है, तो जब उसे हम दिखाते हैं तो यही जो रेट ऑफ रिएक्शन है ऐसा, इसे हम क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक ए है और ये कन्वर्ट हुआ बी में ऐसा, और इसका पावर जीरो अगर है तो हम कैसे दिखाएंगे, हम ऐसे लिखेंगे, देखिए हम कैसे लिखेंगे, हम देखिए ऐसे लिखेंगे इस तरीके से, और कंसंट्रेट इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए रेट कांस्टेंट यहां पे लगाते हैं ऐसे इस तरीके से। अब मान लीजिए यहां पर जो आपका ये है ये कैसे लिखा गया है, ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हुआ, और अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो कैसे लिखा जाएगा, वहां पर कंसंट्रेशन का पावर वन किया जाएगा ऐसा, या कंसंट्रेशन का पावर कुछ नहीं लिखा जाएगा तब भी वन माना जाएगा ऐसे। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर जो है वो आपका कैसा है, सेकेंड ऑर्डर है, तो ऐसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखने का तरीका है। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये दो तरीके हमें रेट ऑफ रिएक्शन के लिखने आने चाहिए, एक सिंपल तरीका रेट ऑफ रिएक्शन का और दूसरा रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो ये दो तरीके इंपॉर्टेंट हैं।
क्योंकि इसी से हम इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों तरीका आना चाहिए। अब यहीं पर देख लीजिए, ऑर्डर भी यहीं पर देख लीजिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लीजिए, यहीं पर देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि जब भी हम लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, तो यहां पर जो भी पावर आते हैं, ये इन पावर का जो सम होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का ये मतलब है कि ये देखिए कैसा है, ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है क्योंकि पावर है जीरो। ऐसा इसका पावर देखिए वन है, इसलिए ये कैसा है, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ऐसा इसका पावर कितना है, टू है, तो ये कैसा है भाई, ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। ऐसा तो कहने का मतलब यह होता है कि अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखना चाहें तो देखिए ऐसे आप दिखा दीजिए कि भाई देखिए अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसे प्रोसीड कर रहा है, ऐसे, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, R इज इक्वल टू लिखना होगा ए टू पावर एम डॉट बी टू पावर एन। तो ये जो पावर का, जो पावर है इस रिएक्टेंट के, इसका जो सम है वही हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताएगा। ए होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते हैं, या तो आप एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, या तो इसका ग्राफिक मेथड है, या इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म है, तो ये अलग अलग मेथड से निकाला जाएगा। लेकिन मॉलिकुलरिटी भी एक आता है वर्ड, मॉलिकुलरिटी को आप देख करके बता पाओगे। जैसे मॉलिकुलरिटी अगर हमें देख के बतानी है कि कैसी मॉलिकुलरिटी है, तो देखिए मान लीजिए मॉलिकुलरिटी हमको बताया जाए, देखिए मान लीजिए एक रिएक्शन ऐसे हो रहा है, ऐसा एस टू पहले लिख दे रहा हूँ, देखिए ऐसा, तो इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी कितनी होगी, इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी टू होगी। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मॉलिक्युलरिटी को बताएंगे। तो यहां पर मॉलिक्युलरिटी कितनी है, वो मॉलिक्युलरिटी दो है। तो यहां पर जो भी नंबर्स लिखे जाएंगे, या इसी को रिवर्स करके करते हैं, जैसा देखिए अब बतानी होगी, देखिए अब बताना अगर हो, देखिए ऐसे, तो अब देखिए एक मोल इसका है और एक मोल इसका है, तो इस बार फिर मॉलिक्युलरिटी कितने के बराबर आएगी, दो के बराबर आएगी। ऐसा तो कितने मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मॉलिक्युलरिटी होती है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि मॉलिक्युलरिटी क्या है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। तो ये हमने इसी पर दोनों चीज़ों को बताने की कोशिश किया है। अगली बात जो हम देखने जा रहे हैं, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन देखने जा रहे हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा ये है कि हम जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे लिखते हैं, ये देखने जा रहे हैं। अगर हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ को निकालना सीख जाएंगे तो बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, और वही बेसिक स्टेप चाहे आप जीरो ऑर्डर का निकालोगे तब भी फॉलो करोगे, और चाहे फर्स्ट ऑर्डर का निकालोगे तब भी फॉलो करोगे। देखिए क्या है यहाँ पे, क्या बेसिक स्टेप्स हैं, जरा मैं इसे अच्छे से मिटा दूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। ऐसे बच्चे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ ऐसे अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक भी करेंगे। और देखो मेरी बेटी भी आ गई है, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाय बोल के जाओ, हाय बोल के जल्दी से जाओ, हाय बोल के जाओ जल्दी से, हाँ चलो ओके चलो भागो, ये भी इसी में दौड़ती रहती हैं। चलिए आगे देखें, केमिकल काइनेटिक्स हम देख रहे थे, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम देख रहे हैं कि किस तरह से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम निकालते हैं। तो कुछ बेसिक स्टेप हैं जो कॉमन बेसिक स्टेप्स हैं, उन बेसिक स्टेप को मैं किनारे लिख रहा हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखिए क्या क्या बेसिक स्टेप्स हैं, तो देखिए पहला बेसिक स्टेप, फर्स्ट पहला बेसिक स्टेप ये होगा कि जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन है उसको आपको लिखना होगा दोनों फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में भी आपको लिखना होगा, ऐसा फॉर्म में भी लिखना होगा जो इसका नॉर्मल फॉर्म है, एक मिनट ये ओके हाँ, और दूसरा फॉर्म इसका क्या है, दूसरा फॉर्म जो आप रेट ऑफ मास एक्शन के फॉर्म में लिखते, ये वाला फॉर्म, ऐसे दोनों फॉर्म में लिखना होता है। तो पहला बेसिक स्टेप यही है, तो फर्स्ट बेसिक स्टेप ये है इसका। दूसरा बेसिक स्टेप देखिए क्या है, दूसरा बेसिक स्टेप ये है कि इसको हटा दीजिए, ये इसको हटा दीजिए और इन दोनों को खाली लिख लीजिए, यानी किसको लिखना होगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी ऐसे, और कैसे लिखना होगा, के ए ऐसे लिखना होता है, ऐसा। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप जो होता है कंसंट्रेशन एक साइड कर लीजिए
और ये टाइम और ये कांस्टेंट एक साइड कर लीजिए, यानी कहने का मतलब है तीसरा स्टेप क्या फॉलो करते हैं हम, कंसंट्रेशन को देखिए एक साइड ऐसे लिख लेते हैं और क्या करते हैं ये सब को एक साइड ले आते हैं, ये सभी में दोनों में होगा फॉलो, चाहे जीरो होगा चाहे फर्स्ट होगा। अब जब इतना हो जाएगा तो ये माइनस साइन हटा दीजिए चौथे स्टेप में, चौथे स्टेप में माइनस से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर लीजिए, यानी इसे बना दीजिए डी ए और इसे बना दीजिए माइनस साइन इधर ले आइए। और जब इतना कर लीजिए तो अगला स्टेप जो होगा वो इंटीग्रेशन का होगा, यानी इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड में, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ये अगला स्टेप है भाई, है ना सर। और जब इंटीग्रेशन कर लीजिए तो देखिए छठे स्टेप में एक कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, चाहे सी से लिखे चाहे आई से लिखिए, तो इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, यानी वैल्यू ऑफ सी निकालना होगा। और जब इंटीग्रेशन आपने किया है तो जहां पे प्लस सी करके आया है उसे इक्वेशन वन मानिए, ऐसा। और जब वैल्यू ऑफ सी कैसे निकालिए, तो ये वैल्यू हमेशा निकालिए जब टी इज इक्वल टू जीरो कर दीजिए, ऐसा। तो टाइम को जीरो कर दीजिए कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जो कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन है वही इसके इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा, ऐसा। ओके, तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी सी की उसे इक्वेशन वन में रखिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन। और लास्ट स्टेप, दसवां स्टेप क्या है, रीअरेंज कर लीजिए, बस यही स्टेप फॉलो होने वाले हैं। इन्हीं स्टेप को हम बारी बारी से फॉलो करते जाएंगे, सभी में करेंगे, चाहे आप जीरो ऑर्डर निकालेंगे या फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे। देखिए कैसे, देखिए अब समझाने जा रहे हैं। अब देखिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए भाई, जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए भाई, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए करना होगा ऐसा। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इसे कर रहे हैं तो एक रिएक्शन लिख भी देते हैं, एक ऐसा रिएक्शन लिख देते हैं। अब इस रिएक्शन को हमने लिखा है तो रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए पहले स्टेप से कर रहा हूं, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी ए कंसंट्रेशन एंड डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के ए टू पार जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट होता तो वन लिखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस डी ए, अब इन दोनों को बराबर करके इस आर को हटा दीजिए, सेकंड स्टेप फॉलो कर लीजिए, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, के, ये जीरो हो गया, ऐसा। अब क्या करिए, अब इसको इधर चेंज करिए, सेकंड पे आइए, कहाँ गया आपका चेंज करने वाला, ये देखिए चेंज करने वाला, ऐसा चेंज कर लीजिए, यानी हो गया माइनस डी ए अपॉन के डी टी, साइन चेंज करिए, साइन चेंज करने का मतलब डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, हो गया साइन चेंज, अच्छा साइन चेंज यहां तक हो गया भाई, हो गया। इंटीग्रेशन लीजिए दोनों साइड में, फट से इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, इससे आसान कोई बता होता नहीं पाएगा भैया, इसीलिए समझिए। तो ये इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड है, इंटीग्रेशन फट से लीजिए, साइन लगाइए, डी ए अपॉन जो भी कांस्टेंट होते हैं उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ऐसा। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल, अपोजिट हैं, कैंसिल कर लीजिए, यानी ये हो गया ए इज इक्वल टू माइनस के, ये कैंसिल, यानी टी प्लस सी, सी इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या आई लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए। तो ये इक्वेशन वन मान लीजिए भाई, देखिए सब फॉलो हो रहा है, देखिए भाई आगे यहाँ तक आगे देखिए सी के फॉर्म में ले आइए, और जब सी के फॉर्म में तो वैल्यू ऑफ सी भी निकाल लो। अब तो वैल्यू ऑफ सी कैसे निकालने को बोला, कि वैन टाइम इज इक्वल टू जीरो, ऐसा, तब वैल्यू इसकी निकल जाएगी, और तब क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन आप देख रहे हो ये बराबर होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के, प्रारंभिक कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा जब टी इज इक्वल टू जीरो, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो टी इज इक्वल टू जीरो है भाई। यानी कहने का ये मतलब है कि इन दोनों की वैल्यू यहां रखिए फट से, तो यानी क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या हो जाएगा, ए की जगह हो जाएगा ए नॉट,
ओके और ये बराबर ये पूरा एरिया हो जाएगा जीरो के बराबर, भाई टी जीरो है तो मल्टीप्लाई जिसमें होगा जीरो कर देगा, और ये बराबर कितने का हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सी के। अब इस सी की जो वैल्यू है इक्वेशन वन में रख दीजिए, कहां गया देखिए, वैल्यू ऑफ सी रखिए इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन, यही काम यहां भी करना है कि पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन, यानी कहने का मतलब है कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के टी, और ये प्लस हो जाएगा क्या भैया ए नॉट। देखिए सारे वही स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं भाई, और कुछ नहीं कर रहा हूं। अब बस क्या करना है, इसको रीअरेंज कर लेना है, और जैसे ही मैं इसको रीअरेंज करूंगा मेरा सारा काम हो जाएगा फिनिश्ड। तो देखिए मैं इसको रीअरेंज करने जा रहा हूं, कैसे, के टू को एक साइड कर लूंगा और कंसंट्रेशन को एक साइड कर लूंगा। देखिए कैसे, तो के टी को इधर ला रहा हूं, यहां से देखिए, यहां देखिए के टी पॉजिटिव हो गया इस साइड अगर आया, और इस साइड क्या हो गया, इस साइड ए नॉट पहले से था, और ये माइनस साइन के साथ कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये इस साइड चला गया ऐसा, ये ए को मैंने हटा दिया क्या, इसका ब्रैकेट कंसंट्रेशन है, तो ऐसा हो जाएगा कुछ इस तरीके से आपको देखने को ये मिलेगा। और अगर इसे आप के फॉर्म में निकालना चाहते हो भैया, तो ये हो जाएगा ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, बस देखिए निकल गया, और थोड़ी कुछ निकालना था आपको, यही निकालना था। तो देखिए यही बेसिक स्टेप फॉलो हुए हैं एकदम लाइन टू लाइन। अब यही अगर बेसिक स्टेप हम सेकेंड ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर देंगे तब पर भी निकल जाएगा। तो सेम इसी बेसिक स्टेप को फॉलो कर दिया स्टेप बाय स्टेप, चेंज कहाँ कहाँ करना है वो देख लीजिए आप, तो एक दिमाग में बैठा ले भाई ऐसे ऐसे चेंज करना है, तो आपका फटाफट काम होता रहेगा। तो ये हमने निकाला है के टर्म में। अब अगर हमसे कहता है ये हाफ लाइफ पीरियड के टर्म में निकाल लीजिए, तो हाफ लाइफ पीरियड भी कहता है निकालने को, तो हाफ लाइफ पीरियड का क्या मतलब है, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ये है कि ये कंसेंट्रेशन जो है वो पहले का हाफ हो जाए, ये कहने का मतलब होता है। और टी की जगह आप क्या लिखे, टी हाफ लिख दीजिए बस, यानी अगर हम हाफ लाइफ पीरियड भी निकाल रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड के फॉर्म में, अर्ध आयु जिसे आप कहते हैं हिंदी में आप कहते हैं अर्ध आयु, अगर उस फॉर्म में भी हम निकाल रहे हैं इसे, तो किसका कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब होता है टी इज इक्वल टू हमें क्या लिखना होगा, टी हाफ लिखना होगा, और ए ले लो भाई, और ए इज इक्वल टू, उनको एक किताब की जरूरत थी, हाँ वो भी बी एस सी पढ़ेंगे सीधे, अभी प्लेबे में है तो सीधे बी एस सी पढ़ना है इनको भी है, वो पेपर ले गई हैं फर्स्ट ईयर का, चलो भाई ओके पढ़िए पढ़िए, हाँ देखो भाई हम लोग कहाँ रहते हैं, तो बस ये दो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी ऐसा, अगर ये दो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर ले गए तो हमें टी हाफ भी निकल जाएगा, यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि देखिए के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू ए नॉट तो पहले से था ही ऐसा, अब ए की जगह भी क्या रख देंगे, ए की जगह भी रख दीजिए ए नॉट बाई टू, ए नॉट बाई टू ऐसे कर दीजिए, और ये टी की जगह क्या कर दीजिए, टी की जगह कर दीजिए टी हाफ, तो इसकी जगह आप कर दीजिए भाई टी हाफ, इसी को सॉल्व कर लेना है, मैं यहाँ से के लिख दे रहा हूँ ऐसे, बस इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, हमारा ए यहाँ से ए नॉट जो है कॉमन ले लिया जा रहा है, ए नॉट अगर कॉमन ले ले रहे हैं तो देखिए कहाँ पे लिख दूँ, और यहीं लिख देता हूँ, देखिए के इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के जल्दी से मैं कर दे रहा हूँ देख करके, नहीं तो समय लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस वन बाई टू ऐसा अपॉन टू हो जाएगा ऐसा, और एक में से आधा गया तो मतलब आधा बचेगा, तो यानी ये हो जाएगा आपका कितने के बराबर हो जाएगा, ये टू और टी हाफ आएगा, वही तो मैं कहना कहाँ हो गया, ये होगा टी हाफ ऐसा, तो ये हो जाएगा बराबर कितने का हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा के इज इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट, और ये हो जाएगा टू इंटू टी हाफ ऐसा, तो ये रिलेशन आता है बस, एक में से आधा गया तो आधा, आधे का मतलब वन बाई टू ऐसे मैंने लिख दिया है, तो ये रिलेशन आपको आएगा। तो देखिए इन्हीं बेसिक स्टेप को मैंने फॉलो किया है तो आसानी से हमारा निकल गया है। अब ऐसे कोई मुझे फर्स्ट ऑर्डर कहेगा तो मैं फर्स्ट ऑर्डर भी इन्हीं बेसिक स्टेप का फॉलो करूंगा और फटाफट निकाल के आपको दिखा दूंगा। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बेसिक स्टेप को नोट कर लीजिए तो फटाफट काम आपका हो जाएगा। कर लें इसे नोट जल्दी से, ओके अब देखते हैं जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी, अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना चाहते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा,
तो क्या फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी यही फॉलो करना पड़ेगा? बिल्कुल यही करना पड़ेगा, कहीं कोई डेविएशन नहीं होगा। देखिए फटाफट इसको फॉलो करेंगे सब आ जाएगा। देखिए कैसे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखिए जरा सा एक रिएक्शन लिख लेते हैं ए टू पा, ऐसे कि एक आपका रिएक्शन है वो कन्वर्ट हो रहा है कैसे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इस बार जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का है, मतलब इस बार कंसंट्रेशन पे पावर वन आएगा ऐसा। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखिए लिखना जानते हैं हम लोग हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम लिखते हैं, तो हम लिखते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी, और ये बराबर हो जाएगा के और ए टू पावर वन। तो लिखना नहीं आपको है एक का पावर एक, कुछ लिखा नहीं गया तो वन माना गया है ऐसा। अब इसको लिखना कैसे होता है, देखिए इस फॉर्म में लिख दिया, अब इसको लिखना होता है इन दोनों को लेकर के, यानी माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए, ऐसा लिखना होता है। अब देखिए ये लिख दिया हमने, ये फॉलो कर लिया ऐसा। तीसरे में क्या करना होगा भाई, तीसरे में हमें क्या करना होता है कि कंसंट्रेशन टर्म को एक्सचेंज कर लीजिए। देखिए तो लिखा लीजिए माइनस डी ए अपॉन कंसंट्रेशन ए इस कन्वर्ट्स इनटू, ये हो जाएगा के डी टी, ऐसा कर लीजिए। अब माइनस साइन को भी चेंज कर लीजिए भाई, तो माइनस साइन को चेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन ए कंसंट्रेशन टर्म इज इक्वल टू माइनस के डी टी, यानी यहां तक देखिए आ गए करते थे। अब इंटीग्रेशन की बारी है, अब जब इंटीग्रेशन की बारी है तो दो इंटीग्रेशन के फार्मूले लगने वाले हैं, और वो दो इंटीग्रेशन के क्या फार्मूले लगने वाले हैं, एक होगा कि अगर डी एक्स अपॉन एक्स है, बस दो ही याद रखना है आपको है कि अगर एक डी एक्स अपॉन एक्स है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है एल एन एक्स के बराबर ऐसा। और दूसरा इंटीग्रेशन क्या लगेगा, दूसरा इंटीग्रेशन लगेगा कि डी, तो पहले भी देख चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन इसको काट दे, कैंसिल हो जाएगा दोनों इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, तो ये तो पहले भी देख चुके हैं। तो इस फार्मूले को बस देखना होगा कि भाई ये फार्मूला नया रहेगा। तो अब देखिए दोनों साइड में इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो दोनों साइड में अगर हमने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए देखिए इज इक्वल टू माइनस के, बाहर रखिएगा इसका नहीं होता है, कॉन्स्टेंट का नहीं होता है, इज डी एंड टी ऐसा। तो अब देखिए ये देखिए इसके लिए मैंने लिखा था ऐसा, तो ये बराबर कितने के हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एल एन ए के ऐसा, एक्स की जगह यहाँ पर ए है ओके, और माइनस के तो माइनस के ही रहेगा, ये इससे कैंसिल हो गया तो टी टी ही आ जाएगा और एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा ऐसा। तो देखिए यहाँ तक मैं ले आया आपको, ये सारे बेसिक स्टेप वही फॉलो हो रहे हैं, कहीं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ मैं। अब जैसे ही इतना आ जाए यानी वैल्यू ऑफ सी निकालना होगा आपको, तो वैल्यू ऑफ सी निकालने का तरीका कि भाई जो टाइम है उसको स्टार्टिंग मानिए, टी इज इक्वल टू जीरो मानिए, तो जो कंसंट्रेशन आप ले रहे हैं वो कंसंट्रेशन ए नॉट के बराबर मानिए ऐसा, बस यही काम यहाँ करना होगा। अगर आप इतना करेंगे तो निकल जाएगा, तो अगर आपने इतना काम कर दिया है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल करके दिखा सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि वैल्यू रखते हैं इसे क्वेश्चन नंबर वन मान लीजिए ऐसा, वैल्यू अगर आपने रखा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल एन कंसंट्रेशन, देखिए ए की जगह ए नॉट रख दीजिए ऐसा, ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, टी इज इक्वल टू जीरो है और ये बराबर कितने का हो जाएगा सी के। अब देखिए सी की वैल्यू निकल गई है, अब इस सी की वैल्यू को क्या करना है, इस वैल्यू को आपको रखना, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन, यानी जो वैल्यू निकाले इस इक्वेशन वन में रख दीजिए, तो इसे इक्वेशन वन में आपको बस रखना होगा। इक्वेशन वन में जब आप रखोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल एन ए, देखिए एल एन ए ये इज इक्वल टू माइनस के टी ये, और सी की जगह पे क्या आ जाएगा, सी की जगह पे आ जाएगा एल एन नॉट ए बस। अब इतना अगर आपने कर लिया तो बस अरेंज करना बाकी है, इसको जैसे आप अरेंज करोगे आपको पूरा का पूरा फार्मूला आपको मिल जाएगा, तो इसको बस अरेंज कर लीजिए। तो अरेंज करने के लिए अच्छा एक बात और, अभी एल एन को भी चेंज कर लेंगे हम लोग, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको है, तो इसको लिख लीजिए के टी के फॉर्म में, के टी इस साइड ले लीजिए तो प्लस हो जाएगा, तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू हो जाएगा एल एन ए नॉट, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एल एन ए हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा
इस फॉर्म में ये हो जा रहा है। और फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं के टी इज इक्वल टू ही, तो के टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एल एन, और इसको लिखा जा सकता है ए नॉट अपॉन ए, इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ऐसा फॉर्म भी हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, के टी एल एन को चेंज कर लीजिए, एल एन को अगर आप चेंज करेंगे तो ये हो जाता है 2.303, ये 2.303 लॉग के बराबर होता है, ऐसा इस एल एन को चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा आपका ए नॉट अपॉन ए। देखिए ऐसे के टर्म में निकाला जाता है तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द टाइम टी, ऐसा हो जाता है, इसी फॉर्म में लिखते हैं हम लोग ऐसा। और a और a माइनस एक्स के फॉर्म में लिखना है तो ये a मान लेते हैं और t समय बाद कंसंट्रेशन कितना बचेगा तो a माइनस एक्स हो जाता है, उस फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये आपका जो फॉर्म है ये इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म आपका निकल गया। बस हाफ लाइफ टाइम निकालना है तो हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन a है वो इनिशियल का हाफ हो जाए बस, और टाइम t हाफ कर दीजिएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इसे निकालना चाहते हैं हाफ लाइफ टाइम के फॉर्म में, हाफ लाइफ टाइम के फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो ये जो कंसंट्रेशन है ये इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है ऐसा, और जो समय आप टी देख रहे हो इसे हम लिखते हैं टी हाफ 1/2। तो यहां से हो जाता है क्या, तो ये हो जाता है के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, और ये हो जाएगा लॉग ए, तो ए ही रहेगा देखिए यहां पे, और ये हो जाएगा ए नॉट बाई टू का मतलब मल्टीप्लाई बाई टू, तो ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग टू अपॉन टी हाफ ऐसा। और log 2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, log 2 की वैल्यू हमारे पास होती है, log 2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आपका ये वैल्यू जो होगे यहाँ पर आ जाएगा, तो आसानी से आप इसे कर लेंगे। log 2 की वैल्यू है 0.3010, मिस कर गए थे, 0.3010 तो वैल्यू रख लीजिए 2.303 0.3010 अपॉन टी हाफ सॉल्व कर लेंगे तो ये k की वैल्यू कितनी आ जाती है, k की वैल्यू हो जाती है 0.693 अपॉन t हाफ। बस ये हमने बता दिया आपको निकालने का तरीका, तो इस तरीके से रिवाइज करेंगे फटाफट, एक से दो बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से आप इसको फटाफट 5 मिनट के अंदर कर ले जाओगे। एक घंटे का पेपर है ना भाई, तो एक घंटे में भी आपको 10 मिनट नहीं लगेगा अगर आ गया क्वेश्चन ये, तो फटाफट ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते चले जाना और पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं और मुश्किल से एक पेज लगेगा, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे आसान टॉपिक है और इजीली इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लें। एक छोटे से और टॉपिक को देख लीजिए तो इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और ये जो छोटा टॉपिक मुझे समझ में आता है वो टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी और उसके लिए फार्मूला कैसे निकाला जाता है। अगर ये दो चीज़ें देख लेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है इस चैप्टर से और कुछ पूछा जा सकता है, तो देख लेते जल्दी से। देखिए ऐसा मैं फिगर भी बनाता हूँ, जब मैं अपना थंबनेल बनाता हूँ तो आप कहते होंगे सर थंबनेल तो बनाते लेकिन कहीं बताया ही नहीं कि ये बनाते क्या हैं, तो उसी को बताने जा रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी में बताने जा रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी में मैं ये क्या बनाता हूँ, थंबनेल जब बनाता हूँ आपका तो क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो उसकी अपनी कुछ एनर्जी होती है, उसकी अपनी भी कुछ एनर्जी होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी से क्या होंगे, उसके एटम्स मूव कर रहे होंगे तो उनकी खुद की कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग थोड़ा सा एनर्जी के ऊपर से बनाते हैं और उसे हम लिखते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, वो इसकी एवरेज एनर्जी कहलाती है। अब जब कोलिजन होता है दो एटम्स के बीच में तो क्या होता है, एनर्जी बढ़ेगी ऐसा, और वो एनर्जी इतनी बढ़ जानी चाहिए कि ये जो एनर्जी बैरियर है उसको क्रॉस कर जाए। अगर इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा, यानी कोलिजन तो होगा लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनेगा,
आपस में मिलेंगे लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है। अगर एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाए, उतनी एनर्जी नहीं हो पाई है, तो फिर से वो क्या होंगे, फिर से जो आपके एटम ये दूर हो जाएंगे, मतलब उन्हें बाइंडिंग नहीं हो पाएगी ऐसा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी का ये मतलब है कि ये मान लीजिए रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है, ओके, और ये एनर्जी बैरियर है। इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है ऐसा। अब जिस किसी भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो वो इजिली क्या हो गए, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदल रहे होंगे। भाई ये कम है तो इजिली क्या होंगे, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। अब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए कठिनाई हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, अलग से हम हीट प्रोवाइड करते हैं जिससे रिएक्टेंट जो आपके एटम्स से उनकी एनर्जी बढ़ जाए और वो किस में कन्वर्ट होने लगे, प्रोडक्ट में बदलने लगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी है, ये एनर्जी बैरियर को कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी में से अगर आप इस रिएक्टेंट वाले एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्शन को माइनस करते हैं ऐसा, तो एनर्जी बैरियर मान लीजिए पूरा एनर्जी बैरियर यहां से यहां तक लेकर के एनर्जी बैरियर थ्रेशहोल्ड एनर्जी है, तो इस थ्रेशहोल्ड एनर्जी में से जो रिएक्टेंट की एनर्जी उसे माइनस कर दीजिए तो ये जो एनर्जी आपको मिलेगी वो एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानी जाएगी ऐसा। तो पूरी एनर्जी आपकी क्या है, ये आपकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहलाती है। उसमें से इतनी एनर्जी अगर आप माइनस कर देंगे तो बची हुई एनर्जी क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानी जाएगी। तो इसलिए फार्मूला है एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशहोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, जो भी रिएक्शन या भी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं इनका जो एवरेज एनर्जी होती है। तो देखिए जब ये बैरियर पार कर जाते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है ऐसा, लेकिन इस प्रोडक्ट की एनर्जी कभी भी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम नहीं होगी। अगर कम होगा तो फिर से प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे, फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इनके बीच भी एनर्जी का डिफरेंस रहेगा हमेशा। यानी प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा अधिक होगी और जो रिएक्टेंट की एनर्जी है उसकी एनर्जी हमेशा कम पाई जाती है ऐसा। तो एक बैरियर क्रॉस करना है और फिर एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है और फिर जाके स्टेबल हो जाएगा और वही आपका प्रोडक्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग इस फॉर्म में बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट को लेते हैं, वाई एक्सिस पर एनर्जी को लिया जाता है। अब कहता है कि आर्हेनियस ने इसके लिए इक्वेशन एक दिया।